क्या गिरा दिया? तो गुड मॉर्निंग फैमिली, क्या हाल है? सबसे पहले चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब वाला बटन साइड पर ही उसको दबा दबा कर उसको तोड़ डालो, उसको बेड़ा गरा कर दो। सब्सक्राइब वाला बटन पहले तो इधर आओ। आपने बाथरूम में क्या किया हुआ? वाइपर नहीं मारा गया आपसे? मारना है मेरे को, कब मारना है? कब मारना? पूरे रूम में किया हुआ है, सारी चप्पल गिली, पोछा कौन मारेगा रूम में? वैसे तो आज आपकी टर्न है ना साफ सफाई करने की। मेरी कोई टर्न नहीं है। रात को तो बड़े बोल रहे थे मैं करूंगा। मैंने कहा बोल दिया क्यों? कल कह नहीं रहे कि मैं कर दूंगा? मैं कर दूंगा, मैं तो बहुत अच्छे से करता हूँ। मैंने कहा पहले वाइपर मारो। मैंने कहा वाइपर मारो जाके। कब? पहले वाइपर। नीला सा स्वेटर पहन के आया जो मर्जी। 6 महीने हो गए नीला स्वेटर पहना हुआ। 6 महीने तो सर्दियों आई होंगे। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए नीला सा स्वेटर पहन के घूमती रहेगी मेरे सामने। हाँ तो आप तीसरे दिन इसको डाल लेते हो। तीसरे दिन डालता हूँ। हाँ। 3 दिन नहीं डालता हूँ। 3 दिन नहीं डालते हूँ। सफाई करो पहले जाके, कॉफी कूफी बाद में पीना। तो चलो वाइपर मारो। नहीं काम करवा रही है मेरे से, शर्म नहीं आ रही? नहीं काम करने में कैसी शर्म? मुझे आती है। घर के काम करने में कैसी शर्म यार? इसमें वो नहीं होता कोई भी कैसी शर्म। ये तो कर ले फिर। तो करो ना। तूने मेरा अलग हो गया। तो तू कर ले। इसमें कौन सी दिक्कत आ रही? मैं नहा के आई हूँ वहां से। जाओ और वाइपर मारो। मैं नहीं नहा के आई। अगर मैं गिरी ना बाथरूम में फिर देखना आप। फिर क्या देखना? फिर तुझे उठा लेंगे फिर बताऊंगी वाइपर से कैसे मारते हैं। तो कर ले। चलो नहीं थोड़ा निकाली है। तुम्हारी अपनी गलती है जो वो भागी है। तुम्हें बात नहीं करनी आती है। मुझे आती है। हाँ तो ठीक है चलो करो। देखना ये मार रहे हैं वाइपर। देखना दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं वाइपर मारते हुए। देखो काम होने से मतलब होना चाहिए। तो पानी भी साफ होना चाहिए कि है भाई? ठीक है शादी है, पानी सूख जाएगा भाई। मैं जब नहा के गई हूँ पूरा वॉशरूम सुखा के जाती हूँ। मैं पूरा वॉशरूम सुखा के जाती हूँ। मैं ड्रायर मार के सुखाती हूँ। ड्रायर मार के वाइपर कितना अच्छे से मारती हूँ। मैं पैर नहीं छपते कभी भी। कल अगर मेरा यहाँ पे पैर छप गया ना। हाँ तो कोई मैंने देखिए ऊपर से देख रहा है। ठीक है देख लेंगे। हाथ दुख रहे हैं। तो उसको बना क्यों रही है? क्यों पता नहीं चले कि कैसा गंदा वाइपर मारते हो आप? साफ तो है। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ नहीं हो रहा इस इंसान से। पता नहीं ये मैं सीखो घर में नहीं काम कर सकते आप। मेरा काम नहीं है। जल्दी जल्दी मारो नीचे साफ सफाई करनी है। हमें और भी काम है फिर। साफ सफाई करनी है नीचे। जल्दी करो जल्दी करो। चलो 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 बड़े इज्जत है आपकी। देखना ये भगवान सामान कैसे धकेला जाए। बस काम वाले सेम ऐसे वाइपर मारती थी हमारी करके। तो भी ना, मेरे से भी हो रहा है। सेम ऐसे करती थी काम वाली में हमारी। सेम बहुत बढ़िया कमाल कर दिया आपने तो। जल्दी जल्दी बस अब रूम की सफाई करके क्या करना है? जिम जाके आना है तब करनी है साफ सफाई। बता दो कैसे करना है मैनेज या अभी सुबह करके जाओगे? क्या सफाई? मैं यार कर देंगे यार। तुमने काम वाली बगा दी, मेरा थोड़ा ना कसूर है इसमें। नहीं नहीं आप बताओ फिर कैसे करना है? जिम से आके या वेट कर लें आपका तब तक या फिर सुबह करके ही जाओ? आप पता नहीं कब तक आओगे। चलाक तो आप बहुत हो वैसे। देखते हैं कोई नहीं। देखने का नहीं काम है यहाँ पे। देखने दे यार अभी, रुक जा यार। अब टाइम नहीं है, मेरे पास दाढ़ी कटाने का टाइम नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँ? जिम में 50 रुपए नहीं है मेरे पास। तो कोई नहीं रहने तो दाढ़ी कोई जरूरी नहीं है कटवाना। बहुत जरूरी है, एक तो शादियां आ रही है। वैसे भी वैसे ही लगते हो कटवा के भी और बिना कटवाए। तो कोई नहीं फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन रहती है कटवा के। मेरे को सेटिस्फेक्शन रहती है कटवा के। चलो यार मैंने जाना जिम। फोन दे मेरा। तो गाइस जिम जा रहा था तो अभी फाटक लगा हुआ है यार सामने। तो अब यहाँ पर 10-15 मिनट तो मेरे लग ही जाने हैं फिलहाल। बट यार भाई गर्मी भी बहुत है भाई। चंडीगढ़ मोहाली में इतनी बर्फबारी हुई है ना यार, मतलब गड़े पड़े हैं, मतलब ओले जिसको हिंदी में कहते हैं। बट
यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ रहा यार। यहाँ पर कल बारिश ही आधा घंटा हुई है तो यार वैसे ही दिमाग खराब हो गया कि चंडीगढ़ मोहाली का सुन के। बट चलो यार क्या कह सकते हैं, जैसे कुदरत को मंजूर हो या हम भगवान के साथ थोड़ी ना लड़ाई कर लेंगे भाई। तो चलो अब वेट करते हैं कब तक फाटक खोलता है और फिर चलते हैं। तो गाइस वर्कआउट हो गया हमारा फिनिश, अब हम चलते हैं घर और भूख लगी हुई है काफी ज्यादा, तो चल के देखते हैं घर में आज क्या बना हुआ। आज मन कर रहा कि घर का ही खाना खाएं, पनीर वगैरह। एक हफ्ते से यार पनीर ही खा रहा हूँ, बोर हो गया हूँ। अगर मुझे कुछ लगा आज घर में अच्छा बनाया तो वो खाऊंगा, अदरवाइज नहीं तो फिर हम मुड़ के डके हम पनीर पे ही आगे गिरेंगे। हेलो 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 हेलो, तपेड़े क्यों मार रहे हो? तो यार प्यार से मार रहा हूँ। प्यार से ऐसे जोर से नहीं मारते, तो बदले ले रहे हो सीधे सीधे, देखना यार क्या है। काम तो कुछ करना नहीं, खाना बना भाई, खाना जल्दी से बना पड़ा है। डाल नहीं सकते आप खाना? यार डाल नहीं सकते, तू ऐसे करेंगे? नहीं अब आप ऐसे करोगे यार, क्या कितनी गंदी है यार तू। क्या गिरा दिया? अरे यार पानी का गिलास गिर गया जल्दी से। हाथ नहीं काम कर दे तेरे, गिलास चाप के तले मारे मैं अगला जान के मारे आएगा यार, जान के मारे सारा पानी ढो देता असि चेड़िया पानी ना लगिया हुई है, कभी कपड़े धो कभी कुछ करके तू उत्ते आके ठीक ला रहा पाता पानी का। सफाइयां तो क्या करनी, उल्टा काम डालते हैं। सफाई ही कर रहा था ये देख ले, अभी वो खाना वो अपने लिए गर्म कर रहा था तो मैं सफाई ही कर रहा था साथ। इससे नहीं होती सफाई, हमने दूसरा कपड़ा रखा है सेल्फ पे मारने के लिए। तो क्या हो गया, कपड़ा तो कपड़ा ही ना, ये नहीं है, ये रोटियां सेकने वाला है। तो नहीं तुम्हारे घर में एक ही ना, एक ही है टॉवल है? हाँ एक ही है। हम जो हाँ हमने अलग अलग रखे हुए हैं लेकिन सबके लिए। अब साफ करो इसको पहले, पर्चियां लिख के लगाओ इन पर कि कौन सा वो रोटी वाला है, कौन सा है। जो दुनिया में रहते हैं और किचन में उनको पता होता है कि कौन सा है, ठीक है? मम्मी जी बोल लो इनको साफ करो, ये चलो साफ कर करेगा पानी है कलेरा पाता कभी चकना नहीं, जो रोटी खाधी भांडे उत्थे पे नहीं चकने, हुण पानी डोल के पोचा मारना तेरे विच मेरे जम दे दा की लैना देना है। क्यों नहीं लैना देना, जो कुछ सीखना तेरे न्याणे ने तेतो ही सीखना है। आपदा की है, बच्चे जो कुछ सीखते माँ बाप तो सीखते। मैं शुरू तो सारे काम करता आ रहा, जो अज मैं नहीं किया तो वाला लाभ का नहीं। मैं यार ने इतने तेज ना, मेरे से जब कूड़ा सुखाना था ना तब मेरे को राजा कहते थे सर, कभी भी गाय मिले कभी भी नहीं कहा कि राजा कूड़े सीटते राजा कूड़े सड़ते। एक दिन मैंने सोचा कि यार हमेशा मुझे इसी वक्त क्यों राजा बोला, मेरे पता वैसे बेटे ने मैं आवाज मारी राजा बेटा यार, मैं बचपन से मेरे राजा। अब आप राजा बेटा बोल दो कर देंगे साफ। बचपन से मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है, आज मैं नहीं करता। मम्मी जी क्या दो राजा बेटा पोचा बना लेके आऊं, पोचा नहीं पोचा वहाँ पे है। क्या मेरे से ये गंद वाला उठवा रहे हो? गंद वाला हमने बोला पानी फेंको, तू ही करेगा, मैं तो जान से छुटे जान के चढ़ दिंदा। देखना वाइपर से ऐसे मारते पोचा। हां मेरा काम ही पोची लगा मेरे, मेरे पास और कोई काम आता ही नहीं है, मैं पोची लगा। सुबह इन्होंने वाइपर मारा था इसमें वॉशरूम में, पूरा काम वाली की तरह टेढ़ा कर दिया वाइपर में, तभी सोचोगे ये कमाल कहां से हो रहा है। देखना पोचा कैसे लगा रहे हैं, और ये एग्जॉस्ट किस खुशी में लगाया हुआ है, सूख जाएगा। हां बड़ा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया, इनकी सोच को तो सलाम है। सही बात है, इनको ही सलाम है,
सही बात है, इनका भी वही हिसाब चला हुआ है। तो देखना सारी किचन में फेर दिया पोचा, और अरे तुम्हारी किचन साफ कर रहा हूँ, हमने दो दो बार मारे हैं सुबह पोचे, आप निचोड़ो इसको पोचे को ऐसे। पानी तब तक एक आधा फिसल के गिरे, मतलब आपको चाहते हो ऐसा? क्यों आना इधर, काम नहीं करना, आना नहीं इधर, थोड़े लग गया